अगर आप भी एक सोनी कैमरा परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं 2024 में कि मुझे कौन सा कैमरा परचेस करना चाहिए, आज मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास आधे ऑप्शन भी नहीं है सोनी में, और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है कैमरों में, बट मेरे पास जो है वो आपके साथ मैं आज शेयर करूँगा कि आपको कौन सा कैमरा ख़रीदना चाहिए। एक बेसिक लेवल से लेके एक प्रोफेशनल लेवल तक सारे कैमरे मेरे पास अवेलेबल है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप अगर कोई कैमरा प्लान करते हैं तो आप उसके ब्रांड शोरूम में जाइए, ताकि आपको उसका जो डेमो मिल सके वो सबसे प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है। तो मेरे पास सोनी का सबसे पहला जो मॉडल है वो है सोनी का ZV-1F कैमरा। स्पेशली ये कैमरा लॉन्च किया गया है ब्लॉगर्स के लिए, डे टू डे लाइफ में जो शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं, और अपने जो मोबाइल है ना स्मार्टफोन से अच्छी क्वालिटी चाहते हैं अच्छे फीचर्स के साथ। तो ये कैमरा स्पेशली डिज़ाइन किया गया है वेरी एंगल के साथ है, और काफ़ी सारे फंक्शन आप टच के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टॉप सरफेस देखेंगे ऊपर के साथ बिल्कुल फ्लैट है, इसमें कोई व्यू फाइंडर नहीं दिया हुआ है, मतलब स्पेशली जो कैमरा है वीडियो के लिए बनाया गया है। स्पेशली इसमें 3 कैप्सूल का माइक सेटअप भी दिया हुआ है। कैमरा के अगर आप फ्रंट साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो लेंस मिलता है वो फिक्स मिलता है, जो कि आपको 20mm का F2 लेंस मिल जाता है। इस कैमरे में अगर मैं फीचर्स की बात करूँगा तो आप भी काफ़ी हैरान भी हो जाओगे, क्योंकि एक बेसिक मॉडल में जो फीचर्स मिल रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले कुछ हाईलाइट्स फीचर्स जो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला कि ये 20MP का 1 इंच का इसमें CMOS सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा, जो बायोन्स X प्रोसेसर लगा हुआ है, मतलब जो ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है बहुत फास्ट है। बॉडी डिज़ाइन और वेट की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है, आपके हाथों के बीच में मतलब आ जाएगा, मतलब कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप डे टू डे लाइफ में अगर शूट करते हैं तो इजीली आप पॉकेट में रख सकते हैं, जैकेट में रख सकते हैं, और ये यूनिवर्सल चार्जर सी टाइप को सपोर्ट भी करता है, आप अपने चार्जर के साथ भी इसको चार्जिंग कर सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करूँ तो कैमरा 4K 30p को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ इस कैमरे से आप इनबिल्ट स्लो मोशन भी कर सकते हैं। अगर मैं ऑटो फोकस की बात करूँ तो काफ़ी हाइब्रिड रियल टाइम ऑटो फोकस सिस्टम इस कैमरे में दिया हुआ है, साथ ही साथ ये जब आप वीडियोग्राफी शूट करेंगे तो ये स्किन टोन एक मोड दिया हुआ है, जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्किनिंग भी कर सकता है। कैमरे में प्रोडक्ट शोकेस का फीचर्स भी दिया हुआ है, कोई भी जब आप प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं तो जो फोकस होता है काफ़ी फास्ट करता है, साथ ही साथ बैकग्राउंड फोकस डी फोकस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कैमरे की, काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है, प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसका ऑटो फोकस सिस्टम काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने मोबाइल से अच्छा, अगर आपको क्वालिटी चाहिए, अच्छे फीचर्स चाहिए, डे टू डे लाइफ में शॉर्ट्स ब्लॉगिंग करते हैं, शॉर्ट्स वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स ये एक बहुत ही अच्छा कैमरा है। अब आगे बढ़ते हैं, सोनी का अगला जो मॉडल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है सोनी का ZV-10 मॉडल। और अगर आप देखोगे आज के टाइम के जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, इस मॉडल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि स्पेशली जो कंपनी ने इस कैमरे को डिज़ाइन किया गया है स्पेशली ब्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स जो शूट करते हैं रील्स इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो उनके लिए इस कैमरे को डिज़ाइन किया गया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, कोई भी व्यू फाइंडर नहीं दिया गया है इस कैमरे में। टॉप साइड में अगर आप देखेंगे पूरा फ्लैट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, वेरी एंगल है। एंड अब मैं कुछ हाईलाइट फीचर जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, तो उस कैमरे में आपको मिल जाता है 24MP का APS-C सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो काफ़ी ग्रेट ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है इस कैमरे में। ऑटो फोकस पॉइंट्स की बात करूँ तो इस कैमरे में 425 ऑटो फोकस पॉइंट्स दिए हुए हैं, और किट जो आता है काफ़ी बेसिक लेंस के साथ आता है, आप दूसरे लेंस भी परचेज कर सकते हो। जो लेंस है 1650 का पावर जूम का वो सपोर्ट करता है। फोटोग्राफी की बात करें तो 11fps की कंटिन्यू शूटिंग है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ वीडियोग्राफी कर सकते, ऑफकोर्स आप इसमें फोटोग्राफी भी कर सकते जो 11fps के कंटिन्यू देता है। साथ ही साथ इसमें और भी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे टॉप साइड में आपको मिल जाता है 3 कैप्सूल का माइक सेटअप भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे वॉइस को रिकॉर्ड भी करता है। साथ ही साथ इसमें हाईलाइट और भी फीचर्स है, जैसे कि फोकस डी फोकस बटन भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट शोकेस भी दिया हुआ है, साथ ही साथ आप इससे लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइव आते हो तो इस कैमरे से लाइव भी कर सकते हो। वीडियो की रेजोल्यूशन की बात करो तो 4K 30p को सपोर्ट करता है, Full HD 120p और इनबिल्ट स्लो मोशन वीडियो को भी ये सपोर्ट करता है। वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन इसमें यह भी दिया है कि SLog 3 का भी सपोर्ट दिया हुआ है, बाद में अगर आप अच्छे ग्रेड करना चाहते हैं, कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस कैमरे से पॉसिबल है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा कैमरा ढूंढ रहे हैं जिससे कि आप यूट्यूब भी कर सको, रील्स वील्स भी बना सको, पर्सनल यूज़ कर सको, फैमिली के लिए कैमरा लेना चाहते हो, स्पेशली सोनी में जाना चाहते हो, तो सोनी का ZV-10 जो मॉडल है ना वो काफ़ी अच्छा मॉडल है और परफॉर्मेंस काफ़ी हाईली है इस कैमरे का। तो दोस्तों ये वो दो कैमरे हैं जहाँ पे अगर आप ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएटर वीडियो की बात की
की जाए तो इन दोनों में से किसी भी कैमरा खरीद सकते हैं, बट अच्छे फीचर्स के साथ चाहिए तो ZV-10 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब मैं बात करने वाला हूँ जो अगला APS-C कैमरा, वो है सोनी का अल्फा 6400 मॉडल। ये भी काफ़ी पॉपुलर मॉडल है दोस्तों, जहाँ पे आप एक सेमी प्रोफेशनल के तौर पर इस कैमरे को वेडिंग्स में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो वेडिंग, तो आप इन दोनों कैमरे को मत लेना जो मैंने पीछे बताया, वो ब्लॉगिंग के लिए ही है। अब 6400 नंबर में बात करो, एक सेमी प्रोफेशनल के तौर पे आप इसको वेडिंग में यूज़ कर सकते हो, छोटे छोटे फंक्शंस में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस कैमरे में देखो आपको एक व्यू फाइंडर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर मैं बात करूँ इसमें कुछ हाईलाइट फीचर, जैसे कि 24 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर है, हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम के साथ आता है, और यहाँ पे क्या ना लेंस के जो ऑप्शन है वो ज़्यादा मिलने लग जाते हैं, जैसे कि 1835 जैसे, जहाँ पे आप एक वाइड एंगल और टेले फोटोग्राफ वीडियोग्राफी शूट कर सकते हो, जहाँ पे प्रोफेशनल्स आपको डायल्स देख मोड्स देखने को मिल जाते हैं। 425 ऑटो फोकस पॉइंट्स आपको इस कैमरे में देखने को मिल जाते हैं, और जो इस कैमरे का रियल टाइम ट्रैकिंग है वो भी काफ़ी बेहतर है दोस्तों। फोटोग्राफी की बात करें तो 11 FPS का कंटिन्यू शूट भी आप इस कैमरे से कर सकते हो। तो जहाँ पे आप फोटोग्राफी में एक बेसिक बिगनर लेवल पे अगर आप इसको शुरू करना चाहते हो कि मेरा जो बजट है वो 1 लाख के अंदर अंदर है और सोनी कैमरा परचेज़ करना चाहते हो, तो मैंने इस कैमरे को 1835 लेंस के साथ काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है, जो इसकी फ़ोटो क्वालिटी में बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी लोगों से मैंने ये सुना है कि सोनी वीडियो के लिए ज़्यादा अच्छा है, फोटो के लिए नहीं है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। फोटो के लिए जब मैंने मैनुअल मोड में सेटिंग्स के बाद फोटोग्राफी की है तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले की बात करूं तो ये 180 डिग्री फ्लिप टॉप साइड में चले जाता है, तो अगर आप एक ब्लॉगिंग भी करना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये भी होगा। वीडियो की रेजोल्यूशन की बात करूं तो ये 4K 30p को सपोर्ट करता है, 120p नॉर्मल वीडियो और 120p का स्लो मोशन भी देता है। साथ ही साथ इसमें S-Log 3 और HLG का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। मतलब बिगिनर लेवल पे अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो, सोनी कैमरा परचेज करना है, तो मेरे ख्याल से 6400 जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा कैमरा है अंडर बजट में। तो अभी तक जो कैमरा दिखाया था वो बिगिनर पे ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छा था, बट ये जो कैमरा है वो वेडिंग के लिए स्टार्टिंग जो स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। कुछ और भी मॉडल्स APS-C के बट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फिर कभी उन कैमरों की बात करेंगे। अभी जो कैमरा आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो है सोनी का A7 Mark III, आप इसको Mark III बोलिए, M3 बोलिए, तो एक ही नाम है। तो ये इसका बेस फुल फ्रेम कैमरा है, इसके साथ और एक बेस फुल फ्रेम कैमरा है वो A7C कैमरा है, बट आज वो मेरे पास नहीं है। A7 III कैमरा और सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग वाला कैमरा और जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चला था और आज भी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो सोनी के A7 III कैमरे की अगर मैं बात करूं, जहां पे प्रोफेशनल लेवल पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स ये एक काफ़ी बेस्ट चॉइस है उन फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के लिए जो सोचे सोनी कैमरा ले। और इस समय क्या है, सीज़न में काफ़ी लोअर प्राइस में ये कैमरा आपको देखने को मिल रहा है, 1,22,000 के आसपास की बॉडी प्राइसिंग चल रही है। तो सबसे पहले बात करें कुछ हाईलाइट्स फीचर्स की बात, तो यहाँ पे 24 मेगापिक्सल का BSI फुल फ्रेम सेंसर आपको देखने को मिल जाता है और एक अच्छे लेंस के साथ 24-70 f/4 ज़ाइस का लेंस मिलता है, वो काफ़ी अच्छा लेंस है, वो अच्छी क्वालिटी के साथ है दोस्तों वो। साथ ही साथ बात करें इसमें 693 हाइब्रिड ऑटो फोकस पॉइंट्स सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ जो रियल टाइम इसका ट्रैकिंग है वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, बायोन्स एक्स प्रोसेसर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से जब भी आप इस कैमरे को परचेज करो तो मैं सिर्फ एक लेंस आपके साथ सजेस्ट करना चाहूँगा, जो ज़ाइस का लेंस आता है और 24-70 आप सजेस्ट ले सकते हो, उसके साथ जो 28-70 वाला किट आता है कहीं ना कहीं वेरिएबल अपर्चर की वजह से हमें वो अच्छी क्वालिटी या लो लाइट नहीं दे पाता है। तो 24-70 एक बहुत ही बेस्ट चॉइस है दोस्तों। कैमरे में अगर मैं वीडियोग्राफी की बात करूँ तो कैमरा 4K 30p को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ इनबिल्ट स्लो मोशन भी आप शूट कर सकते हैं, बेसिकली सारे सेटिंग्स ऊपर आपको दिए हुए हैं। साथ ही साथ S-Log 3 का भी ऑप्शन दिया हुआ है और आप गमास को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि इस कैमरे में पॉसिबल है। डुअल कट स्लॉट है कैमरे में, 5xS VR का सपोर्ट दिया हुआ है। एक प्रोफेशनल लेवल पे जब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के बारे में सोचते हैं तो अगर सोनी कैमरा अगर आपके माइंड में आता है तो सोनी का अगर आप कम प्राइस में लेना चाहते हो तो A7 III एक अच्छा मॉडल है। बाकी जो कैमरे मेरे पास अवेलेबल नहीं है और अगर मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और इस प्राइस रेंज में अभी A7C एक कैमरा है स्पेशली कंटेंट क्रिएटर के लिए, वो काफ़ी अच्छा प्राइस में आपको मिल रहा है। अगला जो कैमरा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, और ये जो कैमरा है ना ये 2 लाख से नीचे है, इस वजह से मैंने M3 के बाद उस कैमरे को रखा है, वो है सोनी का FX30 कैमरा। एंड बिलीव कि ये जो कैमरा है ना जिस प्राइस रेंज में है और जो इसके फीचर्स हैं वो काफ़ी ग्रेट फीचर्स के साथ आया। FX30 एक सिनेमा लाइन का कैमरा है। फर्स्ट मैं ये बता दूँ ये किन यूज़र्स के लिए है, तो ये जो कैमरा है ना 100% फोकस करके बनाया गया जो फिल्म मेकिंग है सिर्फ वीडियो के लिए, ठीक है। अगर फिल्म मेकिंग करना चाहते हो आप, कंटेंट क्रिएटर बेस पे इस कैमरे को परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस कैमरे को परचेज कर सकते हो। और जिस प्राइस रेंज में है ये
ये काफ़ी चीफली प्राइस में है ना, बॉडी सिर्फ 160 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, और जो फीचर्स है ना काफ़ी ग्रेट फीचर्स है। अब बात करते हैं कुछ इसके हाईलाइट फीचर्स के बारे में। तो सेंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको 26 मेगापिक्सल का BSI सुपर 35 सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। तो स्पेशली जो कैमरा है वीडियो को फोकस करके बनाया गया है, तो आप टॉप साइड देखेंगे तो कोई भी व्यू फाइंडर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो कैमरा 4K 120 को सपोर्ट करता है, और FX30 जस्ट लाइट वर्जन FX3 का। ऑलमोस्ट अगर आप बॉडी डिज़ाइन देखेंगे तो आपको बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे केस आप इसमें अटैच कर सकते हो, देखिए काफ़ी सारे माउंटिंग के यहाँ पे केस देखने को आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो स्पेशली वीडियो के लिए बनाया गया, तो जो फीचर्स है ना बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे कि आप 4K 120, ठीक है, आप स्लो मोशन, आप 10x तक स्लो मोशन कर सकते हो, जो 240fps को सपोर्ट करता है। कैमरा 10-bit कैमरा जो कि फोटो 2 को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ S-Log 3 को ये सपोर्ट करता है, और एस सिनेटोन दिया हुआ है। साथ ही कैमरे में आप लाइव लट्स को भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि आपको 14+ डायनेमिक रेंज मिल जाता है। साथ ही साथ आप इसमें फुल HDMI आउटपुट दिया हुआ, जिससे कि आप 16-bit तक रॉ को भी शूट कर सकते हो। कैमरे में देखिए इसमें HLG का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, 14+ हाई डायनेमिक रेंज का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, और भी काफ़ी सारे फीचर्स है जिसमें आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने कहा एसिनेटोन आपको देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबल ISO का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, ड्यूल BSISO का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। और एक बहुत बड़ी बात, इस कैमरे में जो DCI फॉर्मेट 4K DCI फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि फुल 4K का वर्जन है दोस्तों। कैमरे में अगर मैं ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो काफ़ी हाइब्रिड है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है जो इसका रियल टाइम ट्रैकिंग है दोस्तों। साथ ही साथ ये हीट नाउ, इसके लिए इनबिल्ट फैन भी इस कैमरे में आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो साथ ही साथ बॉडी की बात करूँ तो इसमें 5X का VR सपोर्ट दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बॉडी में 5X को VR सपोर्ट भी दिया हुआ है दोस्तों। साथ अगर मैं LCD की बात करूँ तो वेरी एंगल है, और फुल टच कंट्रोल है दोस्तों, उसके लिए बेफिक्र रहिए, फुल टच कंट्रोल है। लॉन्ग बैटरी लाइफ है दोस्तों इस कैमरे का, और कहीं ना कहीं ये जो कैमरा है स्पेशली फिल्म मेकर्स को ध्यान में रख के बनाया गया, कि जो यार वो 3.5 लाख रुपए नहीं खर्च करना चाहते हैं, जस्ट उसके हाफ प्राइस में एक फिल्म मेकिंग कैमरा चाहते हैं कंटेंट क्रिएटर बेस पे, तो दिस इज़ राइट चॉइस दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा चॉइस है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया फिल्म मेकिंग करना है तो डेफिनेटली इस कैमरे को परचेज कर सकते हो। वेडिंग में अगर आप सिर्फ वीडियो शूट करना चाहते हो तो भी इस कैमरे को परचेज कर सकते हो। म्यूज़िक वीडियोज़ बनाते हो, कॉमेडीज़, मतलब यूट्यूब के लिए, सोशल प्लेटफॉर्म के लिए भी परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस कैमरे को आप परचेज कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छा कैमरा है। अगला जो कैमरा आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है सोनी का A7M4 कैमरा। M4 कैमरे से अब तक मैं वीडियो शूट कर रहा था, लास्ट आपने निकॉन वीडियो भी देखा होगा, इसी कैमरे से मैंने शूट किया है। ये उन यूजर्स के लिए है जो प्रोफेशनली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों शूट करना चाहते हैं, क्योंकि एक हाइब्रिड कैमरा है जहाँ पे 33 मेगापिक्सल का BSI सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, और मैं बॉडी ग्रिप एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी डीप ग्रिप के साथ है, और यहाँ पे आपको प्रोफेशनली सारे मोड्स डायल, ठीक है, जिन जिन चीज़ों की कमी, क्योंकि ये A7M3 का सक्सेसर है, जिसकी आपको कमी लगती थी फ्यूचर में इसको चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ इस कैमरे में, 33 मेगापिक्सल का BSI फुल फ्रेम सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, एक नए प्रोसेसर के साथ जो कि बायोस का XR प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। ऑटो फोकस की बात करूँ तो हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम को सपोर्ट करता है। रियल टाइम ट्रैकिंग इस कैमरे में काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं वीडियोग्राफी की बात करूँ, देखिए फोटोग्राफी के लिए 33 मेगापिक्सल का सेंसर है तो फोटोग्राफी रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होना है। वीडियोग्राफी की बात करूँ तो इस कैमरे में 4K 60p दिया हुआ है, 10-bit कलर को सपोर्ट करता है, वैसे कि 4K में ये 7K का ओवर सैम्पलिंग वीडियो भी शूट करता है तो डिटेल काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। 10-bit कैमरा जो 422 को सपोर्ट भी करता है, S-Log 3 है, सिनेटोन है, सॉफ्ट स्किनिंग है, मतलब वीडियोग्राफी के मामले में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ये कैमरा है दोस्तों। व्यूफाइंडर की बात करते हैं जिसमें आपको 3.6 मिलियन डॉट्स का हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, वेरी एंगल के साथ है, और सबसे खास बात कि इसमें फुल टच कंट्रोल दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब सोनी का जो कैमरा आ रहा है वो फुल टच कंट्रोल के साथ आ रहा है दोस्तों। जैसे मैंने बताया था इसका जो रियल टाइम ऑटो फोकस की बात करते हो, 759 हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। बॉडी की बात करें तो इस कैमरे में भी आपको 5X का VR सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग की बात करूँ तो 4K तक आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो दोस्तों। ओवरऑल अगर आपका एक बजट है जो कि 2,50,000 के आसपास तक अगर आपका बजट है, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपको इसमें जो 24-70 का F4 साइज वाला लेंस आता है ना वो किट मिल जाएगा। प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे आप फिल्म मेकिंग भी करना चाहते हैं, जहाँ फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं,
तो ये काफ़ी अच्छा चॉइस है सोनी यूज़र्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग कैमरा है दोस्तों। ओवरऑल मैंने सारे कैमरों का रिव्यू आपके साथ शेयर किया है, और मेरे पास तो सारे मॉडल अवेलेबल भी नहीं है, बट जो ऑनलाइन है, जो जिसका मैंने वीडियो बनाया है, वो आई बटन पे शेयर मैं ज़रूर करूँगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिलेगा कि मैं एक बिगनर लेवल पे हूँ या फिर एक प्रोफेशनल लेवल पे हूँ, तो मुझे कौन सा कैमरे को परचेज़ करना चाहिए। मेरे पास जितने मॉडल अवेलेबल थे सारे ही मॉडल का रिव्यू आपके साथ शेयर किया है, और बाकियों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ऐसा लगा कि, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो दोस्तों। साथ ही दोस्तों मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आप लोगों का, उसको भी आप फॉलो ज़रूर कर लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों एक नई वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।